भजन के दुनिया में कोई सुखी नहीं है। अगर सुखी कोई है तो केवल राम के दास है। दुख रानी तारा के ऊपर कौन सा टूट गया? तारा के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई थी, और बिना संतान के रानी तारा जो थी आंगन में बैठी बैठी रोती रहती है, रुदन करती है कि हे परमात्मा, तुमने तो हमें सब सुख दिए और सर्व सुख देने के बावजूद भी एक पुत्र के खातिर ये राजपाट, ये धन दौलत हमारा किसी काम का नहीं है। मन ही मन में आंगन में विचार करती है और भगवान से एक ही बात कहती है, अरे विधाना तेरी राजपाट ये धन दौलत हमारा किसी काम का भी नहीं है। एक दिन हरिश्चंद्र जब दरबार से लौट के आए तो उन्होंने क्या देखा है कि रानी तारा आंगन में बैठी बैठी रो रही है। हरिश्चंद्र रानी तारा से सवाल कर बैठे, रानी क्या बात है, क्यों रो रही हो, कौन सा दुख है? तो आंखों में आंसू भर करके रानी सुनीति अपने पति से बोली है, श्रीमन हमें दुख केवल एक बात का है, सिर्फ एक बात का। हर बने नहीं धीरे रोई
संतान के सैया गर्मी हुई रही है बदनामी। रानी तारा अपने पति से बोली है श्रीमान, दुख हमें केवल एक ही बात का है, इतने दिन हो गए घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई है और बिना संतान के दुनिया के लोग हंसते हैं, भला बुरा कहते हैं, वो आपको कमजोर समझते हैं और हमें बांझ कहते हैं। तो हरिश्चंद ने अपनी पत्नी को समझाया, देखो रानी तारा, पुत्र की जो बात है तो पुत्र देना या ना देना या दे करके छीन लेना, ये सब पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला है। तुम रो नहीं, रो नहीं। तारा बोली, सुनो महाराज, मैं जे थोड़े ही नहीं कहती हूं कि हमारे गर्भ से एक बेटा पैदा हो जाए और पैदा होने के बाद वो जिंदा बना रहे, चाहे जन्म लेने के तुरंत बाद वो मर क्यों नहीं जाए, मगर एक बेटा पैदा हो जाता जो मेरा पांच पन का कलंक मिट जाता। दोस्तों, हरिश्चंद रानी तारा को समझाने के बाद घर से निकल करके बाहर एक पेड़ के तले निराश होकर के जाकर के बैठ गए। और जब बैठ गए, अक्समात वहां वरुण देवता पहुंच गए। और वरुण जब आए, वरुण ने हरिश्चंद को चिंता में बैठा देखा है, तुरंत ही वरुण देवता पूछने लगे, क्यों हरिश्चंद भाई तुम इतनी बड़ी चिंता में क्यों बैठे हो, एक राजा होकर के इतनी बड़ी चिंता में हो, चिंता करने का कारण क्या है, विषय क्या है। तो हरिश्चंद ने वरुण देवता के सामने दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही है, श्रीमन दुख एक बात का है कि हमारी पत्नी की एक इच्छा है। बोले, क्या इच्छा है? तो हरिश्चंद बोले, सुनो वरुण देवता, अरे है रानी की अरे इच्छा घर में बेटा एक हो जाए।
सुनो महाराज, मेरी पत्नी की एक इच्छा है, किसी तरीका से घर में एक बेटा पैदा हो जाता और चाहे वो जन्म लेने के तुरंत बाद मर क्यों नहीं जाता, मगर एक बेटा पैदा हो जाता। वरुण देवता ने हरिचंद की बोई बात तो पकड़ ली, क्या हरिचंद अगर तुम्हारे घर में बेटा पैदा हो जाए और पैदा होने के तुरंत बाद अगर मर जाए तो तुम रोगे तो नहीं, आंसू तो नहीं डालोगे? हरिचंद बोले महाराज हम बिल्कुल नहीं रोएंगे। वरुण देवता बोले तो हमारी बात सुनो, सुना तो नहीं डालोगे, रोगे तो नहीं? हरिचंद बोले महाराज हम बिल्कुल नहीं रोएंगे। तो वरुण देवता बोले जाओ तुम घर पे जाओ, तुम्हारे घर में एक बेटा पैदा हो जाएगा, मगर हमारी शर्त है। बोले क्या है? बच्चा जैसे ही जन्म ले और जन्म लेने के तुरंत बाद तुम्हें हमारा यज्ञ करना होगा और उस बच्चे को हमारे यज्ञ में चढ़ा देना। तैयार हो? बोले हम तैयार हैं, एकदम तैयार। हरिचंद बात मान के घर पे वापस लौट गए। अब धीरे धीरे समय बीता है, वरुण देवता की कृपा से रानी तारा के गर्भ से एक बेटा पैदा हुआ। अरे बेटा पैदा हुआ है, इधर तो बच्चे की खुशी में आंगन में बधाई बज रही है। तब तक क्या हुआ? अरे द्वारे में बजती बधाई, देवता पहुंच गए। हरिचंद की कलाई पकड़ी, अकेले में ले समझाया। क्यों हरिचंद तुम्हें हमारी बात याद है? क्या कहा था मैंने तुमसे? बच्चा जैसे ही जन्म ले और जन्म लेने के तुरंत बाद उस बच्चे को हमारे यज्ञ में चढ़ा देना होगा। अब बताओ तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, घर में बेटा पैदा हो गया है, अब मेरा यज्ञ पूरा करवा, उस बच्चे को मेरे यज्ञ में चढ़ा। तो हरिचंद वरुण देवता से थोड़ी बात बदल गई। बोले महाराज आप थोड़े दिन रुक जाओ। बोले हम बताओ कितने दिन रुके जाए?
ज्यादा दिन नहीं। फिर जब हमारे इस बच्चे के रिश्तेदार भी इसे देख ले, फिर हम इस बच्चे को तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा देंगे। केवल 15 दिन रुके जाओ, 15 दिन। बोले ठीक है, हम तैयार। वरुण देवता 15 दिन का वायदा करके वहां से चले गए। उस बच्चे का नामकरण संस्कार हो गया निर्देश बाबा। उस बच्चे का नाम रखा गया रोहितास। और रोहितास जब 15 दिन का हो गया है, 15 दिन के बाद वरुण देवता फिर पहुंचेगा। क्यों हरिश्चंद्र? 15 दिन गुजर गए, अब क्या देरी है, मेरा यज्ञ करवाओ, उस बच्चे को तुरंत हमारे यज्ञ में चढ़ा दो। हरिश्चंद्र वरुण देवता से फिर बात बदली। बोले महाराज हाँ, अब क्या है, थोड़े दिन और रुक जाओ। बोले बताओ अब हम कितने दिन रुके जाए? ज्यादा दिन नहीं। जब हमारे इस बच्चे के दांत निकल आए, फिर हम इस बच्चे को तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा देंगे। अब वरुण देवता फिर बात माने के फिर वहां से चले गए। समय बीतने के पश्चात रोहितास के दांत भी निकल आए। हर दांत निकल आए, वरुण देवता फिर पहुंच गए। क्यों हरिश्चंद्र? ओए, अब तो तुम्हारे लड़का के दांत भी निकल आए, अब क्या दे रही है, मेरा यज्ञ क्यों नहीं करवाते? उस बच्चे को मेरे यज्ञ में क्यों नहीं चढ़ाते हो? तो हरिश्चंद्र वरुण देवता से झूठ बोले। बोले महाराज हाँ बोले ना, हमने जीवाले दांत तो थोड़े ही नहीं बताए थे। बोले फिर ये दांत उखड़ने के बाद जब दूसरे दांत निकलते, हमने वो वाले दांत बताए थे। झूठ बोली गई। और जब झूठ बोली गई तो वरुण देवता फिर बात मान के वहां से चले गए। चलो कोई बात नहीं, और थोड़ा इंतजार कर ले रहे। मगर जई बात किसी तरीका से रानी तारा ने उन दोनों की सुन ली। अब तारा समझ गई कि मेरा लड़का यज्ञ में चढ़ा दिया जाएगा। तारा रोहितास को अकेले में लेके गई। अकेले में जाकर के अपने बच्चे को समझाया, देखो मेरे लाल तुम एक काम करो बेटा,